मैं हूँ बीमू, यहाँ पे सुहाना है और आप सभी को एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल सुहाना को लेके आए थे चंदन जी और चंदन जी भी यहीं पे रुक गए थे रात, और रात को अपने दोस्त के यहाँ पे रहे थे, वहीं पे खाना वाना खाए थे। तो अभी सुबह हो गई है, आज है मंडे, संडे को हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए तो इसलिए अभी शूट कर रहे हैं। तो अभी चंदन जी खाना खा के घर जाएंगे, तो मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने। और उससे पहले देखिए, ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ, रात को ही किचन वगैरह का सफाई सारे कुछ कर लेती हूँ, बट आज नहीं किए थे तो इसलिए किचन में सारे सफाई करना है, फिर बेडरूम का भी सफाई करना है। और सुबह मैं बहुत लेट से उठी थी, जब चंदन जी आए थे अपने दोस्त के घर से, तो फिर चंदन जी जब डोर को नॉक किए तब उसके बाद मैं उठी। तो इसलिए देखिए यहाँ पे लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 6:30 या 7 बजे उठी और अभी सारे कुछ को करना ही है। देखिए यहाँ पे अभी किचन में जो ये चुकभुक ये जो लाइट कर रहा है ना फ्रेंड, ये किचन का लाइट ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत दिन हो चुका है तो इसलिए शायद ख़राब हो गया है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, अच्छा सा कोई लाइट लगाना पड़ेगा। और वैसे भी कुछ करते हैं किचन में तो अच्छा लाइट नहीं आ रहा होता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा अच्छा वाला लाइट लगाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को अगर पता हो कोई सा लाइट जो लगाने के बाद थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी वीडियो में आए, थोड़ा सा अच्छा दिखे तो बता दीजिए। और अभी मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर रही हूँ, सारे कुछ करना ही है, बर्तन वगैरह सारे कुछ धोना है, बेडरूम को मिलाना है। तो चंदन जी अभी आ गए हैं, तो बेडरूम में चंदन जी बैठे फ़ोन चला रहे हैं, तो मैं पहले किचन का सफाई कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत जो होता है बेडरूम के सफाई कर लूँगी, झाड़ू बहाड़ू जो होता है वो कर लूँगी। और उसके बाद बेड पे चंदन जी अभी बैठ के फ़ोन देख रहे हैं या रील्स वगैरह बना रहे हैं, टिकटॉक वीडियोज वगैरह, तो फिर बाद में मैं बेड वगैरह को ठीक कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन के सर सफाई करके चंदन जी को बोल दूँगी कि फ्रेश हो जाए, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, सबके लिए चाय बना लूँगी। विकास जी है नहीं, पर विकास जी आज आने वाले हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं था तो मैं बोली कि आ जाओ, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्थ, और जब हेल्थ ही ठीक ना हो तो हम क्या काम कर पाएंगे। तो इसलिए उनको बोले कि आ जाओ, तो वो आज आ रहे तो उनके लिए भी खाना बनेगा, तो क्योंकि वो बीमार है तो थोड़ा सा मतलब सादा खाना ही बनेगा। और ये देखिए कल जब चंदन जी आए थे तो ये प्याज साग और भी कुछ कुछ सब्जी मम्मी जी भेज दी थी हमारे लिए, तो ये प्याज है तो सारे कुछ को अभी मिला रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि किचन मिला ही नहीं था तो सारे सब्जी वगैरह सारे कुछ को यहाँ पे अच्छे से मिला लेती हूँ और फिर उसके बाद करूँगी। तो किचन का सफाई थोड़ा बहुत हो चुका है और ये अभी सब्जी वगैरह भी मिला ली हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग, ये मिल चुका है और अभी ये सबको सेटल कर देती हूँ, रख देती हूँ। और उसके बाद जो होता तो है, लास्ट में झाड़ू लगा ली और यहाँ पर बेडरूम भी सफाई हो गई है, और मैं देखने गई कि चंदन जी थोड़ा सा फ्रेश हुए कि नहीं, तो हो गए तो चंदन जी को चाय दे दिए और मैं भी पी ली, सुहाना को भी दिए, कभी कभी ही बनता है चाय, बाकी घर पे जब रहती है सुहाना तो डेली रेगुलर ही चाय पीती है। तो देखिए अभी ये चाय हो गया और अभी मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में सादा खाना ही बनाऊँगी क्योंकि विकास जी आ रहे हैं तो प्लेन खाना ही बनाना पड़ेगा, बीमार घर में रहता है तो थोड़ा सा प्लेन खाना ही बनाना रहता है, और वैसे भी वो अगर ठीक भी रहते तो ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना नहीं खाते हैं, तो इसलिए खाने में बनाएंगे दाल चावल साग जो मम्मी जी भेजी है वो, और भिंडी और आलू के भुजिया। तो सबसे पहले एक साइड में देखिए यहाँ पे मैं दाल जो है चढ़ा दी हूँ और दूसरे साइड में यहाँ पे भुजिया कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, और क्योंकि लेट हो गया था तो जल्दी खाना बनाना था तो इसलिए मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस ब्रश कर ली, थोड़ा सा पानी से ही फेस को वॉश कर ली और पहले चाय और बिस्किट थोड़ा सा खा ली है ना, और उसके बाद खाना बना के फिर नहाऊँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। तो देखिए अभी हमारा भुजिया हो रहा है, और जब तक भुजिया हो रहा है तब तक मैं साग को जो है अच्छे से बना लेती हूँ, धो लेती हूँ साग को, और बीच बीच में इस भुजियों को भी देखती हूँ, दाल भी एक साइड में पक रहा है तो अभी दाल और भुजिया पक रहा है, जब दाल और भुजिया पक जाएगा तो उसके बाद हम साग और चावल बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर साग भी अभी चढ़ चुका है, भुजिया हो गया है हमारा और दाल भी हो गया है, तो अभी दाल को चेंज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं किसी बर्तन में और उसके बाद चावल चढ़ा देते हैं। और ये जो देखिए मसाला सारे कुछ रेडी हुए छौंकने के लिए, दाल छौंकने के लिए और साग को भी छौंकना पड़ता है तो साग के लिए, तो अभी ये दाल को पहले छौंक लेती हूँ और उसके बाद 50% पहले साग को पका लेती हूँ, उसके बाद छौंकती हूँ तो मतलब थोड़ा ज़्यादा टेस्ट देता है साग।
और जैसे ये दाल छौंक लूँगी तो उसके बाद यहाँ पे मैं भात चढ़ा देती हूँ, और चंदन जी भी खाना खा के फिर घर जाएंगे। चंदन जी को भी घर पे कुछ काम है, तो पापा जी शायद कल किए थे तो खाना खा के जाएंगे, तो इसलिए भी जल्दी जल्दी आज खाना बनाना है। तो देखिए अभी ये छौंक हो गया हमारा और दाल को छौंक लिए, और अभी बारी है ये साग का। साग भी 50% पक चुका है। तो इस तरह से मैं मतलब करती हूँ, थोड़ा सा साग को पका लेती हूँ, या तो पहले भी ये छौंक जो होता है डाल सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। तो बाद में जो डालते हैं तो अच्छे से ये छौंक पका नहीं होता है, तो छौंक भी थोड़ा सा गल जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा 50% साग को पका लिए, उसके बाद फिर छौंक देती हूँ मैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे छौंक रही हूँ, और तब फिर छौंक को और साग को थोड़ा सा साथ साथ में पका लेते हैं, तो अच्छा टेस्ट देता है। तो ये छौंक हो गया है अभी, मतलब रेडी हो गया है साग डालने के लिए, पक चुका है। तो जैसे यहाँ पे मैं साग डाली तो देखिए ये क्योंकि कढ़ाई स्ट्रेट नहीं था तो इसलिए थोड़ा सा जो है तो होता है तेल बाहर निकल के आग जैसा लग गया था। और हम यहाँ पे प्लेन खाना भी खाते हैं, बट चंदन जी जो है प्लेन नहीं खाते हैं, थोड़ा सा घर पे थोड़ा सा स्पाइसी टाइप का खाना बनता है, तो इसलिए हम तो यहाँ पे हमारे घर में बीमार है तो इसलिए प्लेन खाना बनाए, तो इसलिए थोड़ा सा मिर्ची भून दिए, और सोची कि थोड़ा सा पापड़ और चिप्स भून देती हूँ तो चंदन जी को अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर अभी मिर्ची भून लिए है और कढ़ाई चढ़ा लिए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर पापड़ और चिप्स भूनने के लिए। और पापड़ और चिप्स रहता है थोड़ा सा, तो पापड़ तो सुहाना नहीं खाती है, वैसे पापड़ मुझे पसंद है बट चिप्स नहीं है। विकास जी को तो नहीं तो पापड़ ज़्यादा पसंद है और ना ही चिप्स। चिप्स वो एक दो खा भी लेते हैं बट पापड़ नहीं, बट मुझे पसंद है चिप्स नहीं। और सुहाना भी चिप्स ही खाती है, मतलब अच्छे से खा लेती है खाना जब चिप्स होता है। तो थोड़ा सा चिप्स भून दिए चंदन जी के लिए और सुहाना के लिए, और पापड़ भी भून दिए चंदन के लिए, क्योंकि सुहाना तो खाती नहीं है, विकास जी भी नहीं खाते, मैं खाती हूँ, तो एक ही पापड़ भूने। तो ये भी हो गया, पापड़ और चिप्स भी भून लिए, और फिर आज सुहाना का स्कूल भी, आज सुहाना स्कूल भी जाएगी तो सुहाना को भी रेडी करना है। तो देखिए अभी सुहाना को रेडी कर दिए है और खाना खिला रही हूँ सुहाना को। खाने में चिप्स हो तो सुहाना को मज़ा आता है, सुहाना खाना खा लेती है अच्छे से, तो इसलिए भी चिप्स भून देती हूँ सुहाना को। और यहाँ पे देखिए सुहाना बोली कि आज मुझे आप खिला दो, तो सुहाना को मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ। और सारे कुछ रेडी कर दिए, बैग वगैरह सारे रेडी हो गए हैं, बस खाना खाना है। तो खाना मैं खिला रही हूँ सुहाना को चावल, और चिप्स जो है खुद से खा रही है। और उसके बाद जैसे सुहाना चली जाएगी स्कूल तो फिर चंदन जी को खाना खिला देंगे, उसके बाद मैं नहाऊँगी, और जब विकास जी भी आते ही होंगे तो खाना बन गया है, तो फिर नहा के उसके बाद खाना खाएंगे। तो चंदन जी को मैं पूछी कि, बहुत देर से पूछ रही थी कि खाना खाएंगे, तो बोल रहे थे नहीं, अभी फाइनली बोले कि हाँ। तो चंदन जी के भी खाना लगा दिए और अभी ये खा रहे हैं, और खाना खा के जैसे ये बाहर चले जाएंगे उसके बाद मैं रूम वगैरह मिला लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स अभी विकास जी आ गए हैं, खाना खा लिए है, और चंदन जी भी अभी अभी घर गए। तो ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी शुरू करेंगे उस वीडियो में, तो तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।